नमस्कार, मैं आपके साथ राहुल। आज आप देख रहे हैं हमीरपुर हलचल। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के बांदोर बुजुर्ग गांव में कौमी एकता की अनोखी मिसाल देखने को मिली, जहां मुस्लिम समाज के लोगों ने मंदिर में कराया अखंड रामायण पाठ, खुद भी करवाया हवन पूजन। बजरंग बली के मंदिर में 9 दिन तक लगातार चला अखंड रामायण पाठ। पूरे गाँव की कन्याओं को भोजन खिलाकर मुस्लिमों ने लिया आशीर्वाद। गाँव और अमन की खुशहाली के लिए पेश की एकता की बड़ी मिसाल। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के एक बांदोर बुजुर्ग गांव में हो रहे भजन कीर्तन से इस माहौल को देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये आज जन्माष्टमी है, उसी पर लोग जश्न मना रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि ये ढोलक की थाप और हारमोनियम की धुन में मदहोश हिंदू नहीं बल्कि हिंदुस्तान के वह मुस्लिम समाज के लोग हैं जिन्होंने सामाजिक एकता की बहुत बड़ी मिसाल पेश की है। एक मुसलमान होकर रामायण और भजन कीर्तन करवाने क्या कहेंगे इस बारे में? हम इस बारे में ये कहेंगे कि ये बात हमारे दोनों भाई जो हमारा पहला नारा चला था इसमें कोई ऐसा बात नहीं है। सारी समाज एकता में हमारे यहाँ रहते हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तान वो भी कहता है हिंदुस्तानी, हम भी कहते हिंदू हैं, वो कहता मुसलमान, अरे मुसलमान हूँ। लेकिन जातिवादी से हमको कुछ लेना देना नहीं, समाज से लेना देना है। मैं समाज को चाहता हूँ। हम आपको बता दें कि संप्रदाय की एकता की अनोखी मिसाल ये नाजीर हमीरपुर जिले के बीमार थाना क्षेत्र के बांदोर बुजुर्ग गांव में देखने को मिली, जहां गांव के हर बिरादरी के लोग खुश हैं। इस गांव में प्राचीन बजरंग बली का मंदिर है। धार्मिक कार्यक्रम कराने के लिए यह एक कमेटी गठित है जिसमें मुस्लिम समाज के लोग भी शामिल हैं। 25 वर्ष पहले रामलीला समिति में अध्यक्ष रहे ग्राम प्रधान अमरुद्दीन ने मंदिर में 9 दिन तक अखंड रामायण पाठ का आयोजन कराया, जिसमें पंडित मैत्रीचरण पांडे, राजकुमार तिवारी, गणेश शंकर दीक्षित, सतीश शुक्ला समेत तमाम लोगों ने रामायण पढ़ी। आयोजन में मुस्लिम परिवार के लोग भी शामिल हुए। अखंड रामायण पाठ के समापन के बाद अली मोहम्मद तौफीक, मुनीर अहमद, रसूल खान समेत तमाम लोगों ने हवन पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बाद में गांव की सभी कन्याओं को सामूहिक रूप से भोजन खिलाया गया। मुस्लिम समाज के लोगों ने कन्याओं को दक्षिणा देकर और गांव की खुशहाली के लिए आशीर्वाद लिया। ग्राम प्रधान अमरुद्दीन ने बताया कि ईश्वर और अल्लाह एक ही नाम है, उन्हें पूजने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। बताया कि देवी देवताओं और अल्लाह की पूजा कराने से मन को शांति मिलती है। बताया कि गाँव में हिंदू और मुस्लिम सभी मिलकर एक दूसरे के कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं और यह पहल अब हमेशा जारी रहेगी। हिंदुओं के वोट से ही तीसरी बार मुस्लिम समाज से बना प्रधान। ग्राम प्रधान के पुत्र तौफीक ने बताया कि बांदोर बुजुर्ग लोधामऊ, पड़रा व हरवाड़ी गांव शामिल हैं। इन चारों गांवों में 5,000 से ज़्यादा आबादी है, जिसमें मात्र 127 वोट मुस्लिम बिरादरी के हैं। बताया कि यहां संप्रदाय की एकता की अनोखी मिसाल कायम है, इसलिए हिंदू बिरादरी के लोगों के वोट से तीसरी बार अमरुद्दीन ग्राम प्रधान बने हैं। बताया कि हिंदुओं के हर आयोजन को सभी बिरादरी के लोग धूमधाम से संपन्न कराते हैं, इसलिए सांप्रदायिक ताना माना बहुत मजबूत है। धन्यवाद, देखते रहिए हमीरपुर हलचल। सैंडी द्विवेदी, खास रिपोर्ट। अमरुद्दीन प्रधान, बांदोर बुजुर्ग। प्रधान जी, ये बताइए, आपने बांदोर में क्या क्या प्रोग्राम करवाए? अभी 9 दिन अखंड रामायण का पाठ हुआ, कन्या भोज हुआ और आज 29 तारीख को ये भजन का प्रोग्राम घर में हो रहा है। आप मुस्लिम परिवार से बिलोंग करते हैं, मुस्लिम होते हुए भी आप जो है रामायण कीर्तन भजन करवा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं सभी धर्म एक हैं सर, मेरी नज़रों में तो सभी धर्म एक हैं, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। आप कितने साल से ऐसी जो है काम करवा रहे हैं? काफ़ी समय से है सर। रामलीला कमेटी का अध्यक्ष रहा हूं। जहाँ एक और देश में कौमी एकता के लिए लोग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ आप एक मिसाइल काम कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस बारे में? सर, मैं तो यही कहूँगा कि सौहार्द बना रहे, सभी
भाई की हैसियत से रहें, एक मिलकर रहें।